अब ये पपीता का धंधा वापस से शुरू। माँ जी मुझे देना। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ ओके जीजू। हाँ। असल में तुम्हें पपीता के धंधे के बारे में बिल्कुल नहीं पता है। क्या का? क्या क्या क्या? हाँ। कम से कम इस पपीता में बीज है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में तो वो भी नहीं है। सही पता लगाया, ये बात तेरी दीदी ने तो नहीं बताई। मेरी दीदी ने भी नहीं बताई ये बात। मेरा मतलब ये नहीं था जीजू। हाँ। इस धंधे में पेपर सेपरेट और पपीता सेपरेट बेचोगे तो अच्छा पैसा मिलेगा। ये पेपर बेचने में भी फायदा और पपीता बेचने में भी फायदा। अभी पीस काट काट कर बेचूंगा ना तो मुझे बहुत फायदा होगा, समझ गया ना? क्या मुझे भी बेचोगे क्या? मतलब पल्लवी और संध्या टाइप इंस्टीट्यूट में फ्रेंड्स हैं। मामा, हाँ, कैच। चाचा, प्रकाश राज जी यहीं रहते हैं क्या? क्यों बेटा, जीने की इच्छा नहीं बची क्या? अगर जीना चाहते हो तो वापस लौट जाओ। ऐसा क्या हो गया चाचा? कुछ नहीं बेटा, उनकी बड़ी लड़की है ना, किसी के साथ भाग गई है। तुम्हारे जैसा लड़का उन्हें दिखा ना तो जान से मार डालेंगे। मेरी बात सुनो बेटा। अरे बाप रे, अरे भांजे चलो चलते हैं यहाँ से, चलो चलो। मामा, बड़ी बेटी भाग गई मतलब छोटी बेटी अंदर ही होगी ना? दादी माँ, दादी माँ, तुम प्यारी दादी हो, दरवाजा खोलो ना। खोलती हूँ। खोलोगी क्या? खोलो ना, खोलो ना। नहीं खोलूंगी। बड़े हैं ये सोचे बिना कितनी बातें की तूने मेरे बेटे से, याद कर एक बार। श्री 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 प्रकाश राज जी, राम प्रसाद जी का वंश है ये। अब क्या हुआ बताओ? कितना कुछ कहा था, कितना कुछ कहा था। हाँ, क्या कहा था, क्या कहा था? दीदी को देख देख कर सीखूं मैं? दीदी सुबह सुबह उठ के योगा करके नहाती हैं, फिर उसके बाद पूजा करती हैं, तुलसी के पौधे के चक्कर लगा के प्रार्थना करती हैं, रामायण महाभारत पढ़ के सुनाती हैं, वो भी उसके पढ़ाई के साथ साथ। फाइनली पापा, मैं बस यही कह रही हूँ, आप सोचते थे साइलेंट रहने वाले संस्कारी होते हैं, देखा आपने कितना बड़ा झटका देकर चली गई वो। मैं पाप करना जानती तक नहीं, ट्रेन से उठाकर ले आए मुझे। तो माँ बेटे को देखकर मुझे बहुत तरस आ रहा है, मजा आया क्या? अरे बेटी बता, ये ताला किस लिए है? किस लिए? मैं बताता हूँ बेटी, इन दोनों में से एक उंगली पकड़ो। मेरी तरह पापा। सुन, इसे कमरे में बंद करके ताला लगा दे। वो क्यों, मैंने क्या किया है? इतना समझदार होकर भी जब तेरी दीदी भाग गई तो तू तो पहले से ही टेढ़ी है, तुझ पर विश्वास नहीं। वो दूसरी उंगली में क्या था? वो भी वही था। साहब, छोटी बेटी के कॉलेज से दो लड़के आपसे मिलने आए हैं। बुलाओ उन्हें। जी। अंदर तो आगे बाहर कैसे जाएंगे, गड़बड़ लगता है भांजी। यही है जी। गुड मॉर्निंग सर। क्या चाहिए? सो बेसिकली हमारे कॉलेज में एक एनुअल डे ड्रामा हो रहा है सर। तो हमारे प्रिंसिपल चाहते हैं कि हीरोइन का कैरेक्टर आपकी बेटी संध्या करे सर। अरे कुर्सी लेकर आ। अरे आप बड़े हैं, हम यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। कौन सी कहानी पर ड्रामा कर रहे हो? वो क्या है कि रामायण महाभारत को मिक्स करके थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे तो कैसा होगा, मस्त होगी ना? ये एक वैरायटी ड्रामा है। हाँ, कह रहे हैं कि कोई वैरायटी ड्रामा कर रहे हैं, बैठो सुनते हैं। अब तक जितनी रामायण सुनी काफी है, तेरी बेटी को नाश्ता देने जा रही हूँ। यही पर है वो। आजकल लड़के बहुत आ रहे हैं साहब। हाँ, और ड्रामा भी बहुत कर रहे हैं, चलो शुरू हो जाओ। पहले सीन में कृष्णा सीता को उठा कर ले जाता है। सीता मतलब हमारी संध्या। कहा सीता को कृष्णा उठा के ले जाता है? माँ, यहाँ हाईलाइट क्या है पता है? वो सब छोड़ो, यहाँ तुम्हारी छोटी बेटी भाग गई है। क्या यार मामा, मेरा टाइम, उस दिन ट्रेन से भाग गई थी, आज घर से भाग गई है। हर जगह देखा क्या? हर जगह देख लिया बेटा, पर वो कहीं मिले नहीं। अरे ये मुझे क्यों दिया? ये इन दोनों का प्लान हो सकता है, इन दोनों के टुकड़े टुकड़े करके गटर में डाल दो। ओए, गाड़ी निकालो रे, बस स्टैंड रेलवे स्टेशन हर जगह जाकर ढूंढो। अरे रुको, छोटे बच्चे हैं, मैं देख लूंगा। ए बच्चा किसे बोला बे? स्टूडेंट, स्टूडेंट पावर। ओ बास्केटबॉल प्लेयर हूँ मैं, मारूंगा ना तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ जाएगा तू। फाइटर हूँ, लात मारूंगा तो एक एक की हड्डी तोड़ दूंगा मैं। अच्छा बापरे।
क्यों रे, क्या बोला था? छोटा सा बच्चा है? ऐसा नहीं, छोटा बच्चा बोला, बच्चा हूँ मैं, बच्चा लगा, बच्चा हूँ मैं। साहब, साहब, उसके बदले तू क्यों आया है? साहब, जैसा आपने कहा था, सबको मार के उसने गटरे में डाल दिया। तो तुझे क्यों छोड़ दिया? आपको बताने के लिए छोड़ दिया साहब। कैसे भाग गई वो? देखो ऐसे, आप ही ने सीढ़ी लगाई, आप ही ने भागने का मौका दिया, और आप मुझे सवाल पूछ रहे हैं कि वो भागी कैसे? जहाँ पर रोमांटिक सीन आने वाला था, वहाँ पर फाइट सीन आ गया। बेसिक सेंस नहीं होता इंसान। ये सीढ़ी यहाँ किसने रखी रे? अरे पहले वहाँ रखी थी तो आपकी बेटी टकरा जाती थी, इसलिए यहाँ ला के रख दी। अरे भांजे, जिस लड़की की फोटो दिखाई थी ना, उसके माँ बाप उसके साथ में आ रहे हैं। अरे बाप रे, मुझे क्यों मार रहे हो तेरे बाप रे का? अरे जल्दी करो भाई, उनके आने का टाइम हो गया है। नमस्ते। सॉरी समधी जी, अब क्या है ना, पैदाइश अमीर है हम, तो इसकी आदत सी हो गई है। कमला। हाँ आ रही हूँ। हाँ जी नमस्कार, ये मेरी पत्नी है, मिलिए इनसे। आइए ना, आइए समधी जी। सफर कैसा रहा? अच्छा रहा। ये क्या समधी जी, यही है क्या हमारी डाइनिंग टेबल? हाँ जी। हमारे घर पे सर्वेंट भी इतनी सी टेबल पे खाना नहीं खाते हैं। तो फिर आप जिस टेबल पर खाती हैं वो कितना बड़ा है? अगर हमारा डाइनिंग टेबल देखना है ना आपको, हाँ। तो पूरे 1 किलोमीटर चलना पड़ेगा। इतना बड़ा डाइनिंग टेबल है हमारा समधी जी। वैसे आपकी बेटी कहाँ है? वो भी यहीं पर ही है। बेबी आ जाओ। घर में चाहते की क्या जरूरत? अरे समधी जी देखिए, हम पैदाइश अमीर है, बेटी पर जरा सी भी लाइट गिर जाए तो उसका चेहरा काला हो सकता है ना, इसलिए उस पर छाता तान रखा है। बेबी, ससुर जी, ये सासू माँ, मिलो इनसे। ससुर जी, नीचे झुको, नीचे झुको, आशीर्वाद लो, पांव छो उनके। सासू माँ, नीचे नीचे झुक जाओ। हो गया ना पप्पा? ओ यस बेबी। स्टील का ग्लास, हम तो सोने के ग्लास में पानी पीते हैं। क्योंकि हम लोग पैदाइशी करोड़पति है। समधी जी, हाँ? ये क्या कर रहा है? समधी जी, इसका नाम है टाइगर, हाँ? शरीफ। इसके झूठा करने के बाद ही मेरी बेटी कुछ खाती और पीती है। करोड़पति है ना, इसीलिए। मुझे दो बेटी। अरे उन्हें दे दो, वो धो देंगी बेटा। अरे समधन जी, ये धोने के लिए नहीं है। मेरी बेटी जिस ग्लास में पानी पीती है या जिसमें खाना खाती है, उसे और कोई यूज नहीं करता। दूसरों के बर्तन वो यूज नहीं करती है। क्योंकि हम पैदाइशी अमीर हैं। अरे तू जा आगे, मैं नहीं जाऊंगा। जा तू, तू जा। बेबे, तुम्हारा बेब तो देखो, दूल्हा चिकना दिख रहा है। जाओ मिलो, जल्दी जाओ। अरे बेबी, दूल्हे के पैर नहीं छूते, सीधा गले मिलते। समधी जी। हाँ समधी जी। ये बेटी हमेशा अलुलुलु 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 क्यों करती रहती है? मेरी बेटी को इंटरनेशनल परमिट मिला हुआ है। शी कैन टॉक एनी नॉनसेंस लैंग्वेज। बाप रे। फोन आ गया, मेरा ही होगा, मेरा ही होगा। इस टाइम पे फोन करने के लिए कहा था मैंने। हेलो हेलो अंजने जी, समधी जी के लिए रोलेक्स वॉच रेडी की है कि नहीं? अरे समधी जी, इसकी क्या जरूरत है? 2 लाख की तो है, कॉफी पीने जितनी। ओहो, मेरी बहन के लिए डायमंड नेकलेस बोला था ना, डायमंड के झुमके बोले थे, वो भी रेडी है कि नहीं? एक्सीडेंट? क्या कहा ड्राइवर ने भी पलटी खाली? तुमने क्या कहा? तुमने भी नहीं, अभी रोलेक्स वॉच लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी बहन के लिए भी कुछ लाने की जरूरत नहीं है, बाद में देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। फोन काटो जल्दी। सुनो बेटी, मेरा बेटा पसंद है ना? समधी जी, आपके बेटे की शक्ल देख के कौन शादी कर रहा है? केवल आपकी शक्ल देख के ही ये शादी करवा रहे हैं, जो है ना? हाँ जी। जो बेबी, अरे बाप रे, अरे क्या, अरे कोई मुझे मार रहा है, अरे क्या कर रहे हो, अरे लग जाएगी, अरे कमर तोड़ दिया। क्या हुआ, आप झुक क्यों गए? किसी ने अंधेरे में मेरी पीठ पर दबा दबा के बहुत जोर से मारा, और वहाँ भी मारा जहाँ नहीं मारना चाहिए था। सब हिल गया। चुप कीजिए। कौन है जो आप जैसे करोड़पति के दबा दब दबा दब दबा दब पीठ पर मारेगा? वो भी जहाँ नहीं मारना चाहिए वहाँ। हमारे घर पर जब बिजली जाती है तो जनरेटर शुरू करते हैं, तो ऐसे ही दबा दब दबा दब साउंड आता है। हाँ पापा। हाँ पहले आप फ्रेश होकर रिलैक्स हो जाइए। चलिए चाहिए, गर्म पानी वहाँ मिल जाएगा। तूने किया ना? क्या हुआ भांजे? वो अमीर जादी सपने में आए जो इतना चिल्ला रहा है? पप्पा, बाबू को जगा दिया, बाबू को
जगा दिया। ये क्या बेबी, इतने बड़े कपड़े क्यों पहन लिए तुमने? अरे बाप रे, ये क्या बड़े कपड़े? हमारे घर के सर्वेंट भी इससे छोटे कपड़े पहनते हैं समदिन जी, इसे स्कर्ट कहते हैं। इसका मैं क्या करूं? अंजना जी, शादी का मंडप कितना पैसा लगेगा शादी के लिए? क्या कहा, समदिन जी के घर पर ही 30 लाख देकर शादी का मंडप बनवाना है? तो इसका हमें देर नहीं होनी चाहिए, ये काम जल्द से जल्द पूरा करो। भांजे 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 भांजे, अरे बाप रे, सर फट गया। भांजे भांजे, अभी फोन आया था, वो फूल वाली लड़की की शादी हो गई, कल ही रिसेप्शन है, हमें बुलाया यार। मेरा मूड नहीं है मामा। मूड नहीं होगा तो कैसे चलेगा? अरे चलेगा तो ही मूड बनेगा। देखिए, अमीरों से, ये दिखावे से, ये शादी की झंझट से बच के निकल सकते हैं यार। ऐसा है क्या? हाँ चलो ना। अरे वाह पंडित जी, परसों ही रिश्ता तय करना है, दोनों परिवारों को एक जो करना है, सब तैयार कर लिया है? हाँ। हो गया क्या? अरे कहाँ जा रहा है? दोस्त की शादी में मेहमान आए हैं घर पर। ठीक है ना, वो आपकी शक्ल देख के आए हैं, मेरी शक्ल देख के नहीं आए। जो करना है आपके साथ करने दो। बजाते रहो बजाते रहो, बंद मत करना। आखिर में तूने पटा ही लिया। आसान नहीं था वशिष्ठ, 1000 किलोमीटर इसके पीछे घुमा हूँ तब जाकर मानी है। बात ये है वशिष्ठ, रोज फूल पकड़ के घूमता है, पर एक बार भी इसने आई लव यू नहीं कहा, मुझे इस पर तरस आ गई, इसके बाद शादी कर ली। इसका मतलब वो भी आई है क्या? संध्या ना आई है, जाके ढूंढ ले। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचा था। संध्या, इट्स सो फनी। संध्या, तुम यहाँ पर हो। उस दिन मैं पानी लेने के आ गया, तुम ट्रेन से गायब हो गई। उसके बाद मैं तुम्हारे घर पहुंचा तो तुम वहां से भी भाग गई। कितना बड़ा झगड़ा हो गया था पता है तुम्हें? वो तो मेरी विल पावर बहुत स्ट्रांग है, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ पकड़ लिया। ए, तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं कोई अनजान हूँ। अरे नटखट, तुम यहाँ पर हो क्या? He is my would be. She is my should be. तुम एंगेजमेंट में आए नहीं थे क्या? तुम इससे? संध्या, हेलो, कौन है तू? फ्रेंड है इसका? भाई की तरह है ना? भाई की तरह है ना? भाई की तरह? कौन है बे तू? काले कोबरे की तरह दिख रहा है, चल जा। तू सफेद पाउडर की तरह दिख रहा है, रंग के बारे में हमें ही बात करना चाहिए। वैसे तेरा नाम क्या है? चिंटू। ए, मेरे कुत्ते का नाम तूने क्यों रख लिया? तूने मेरे नाम का कुत्ता पाल लिया? ए, तू हाथ हटा, पीते पीते भी बात कर सकते, तेरी समझ में नहीं आया? वशिष्ठ, मुझे देखकर आखिर तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर तुम बात क्यों नहीं कर पा रही हो संध्या? और अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करती थी तो फिर उस दिन ट्रेन में मुझसे क्यों कहा कि तुम बहुत वक्त से मुझसे प्यार करती हो? मैं इस जिंदगी में कुछ भी सहन कर सकता हूं संध्या,
लेकिन तुम्हारी चुप्पी मैं इस तरह से बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मेरे डैडी ने मेरी एंगेजमेंट फिक्स कर दी थी, पर मैंने उनकी बात नहीं मानी। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे अलावा मैं किसी और का हो ही नहीं सकता। पता है जब तुम मिलती हो तो तुम्हारे मिलने की खुशी से ज्यादा तुम्हारे जाने का डर मुझे ज्यादा सताता रहता है। तुम्हारे बिना मैं नहीं रह पाऊंगा संध्या। आई नीड यू इन माई लाइफ, आई वॉन्ट यू। बात करो ना संध्या। दर्द हो रहा है, वशिष्ठ मेरी इंगेजमेंट हो चुकी है, तुम्हारी होने जा रही है। भले ही हम कितनी बार मिले, उतनी ही बार जुदा होना पड़ेगा। यही हमारी डेस्टिनी है। ऐसा नहीं है संध्या, हम जितनी बार जुदा हो रहे हैं उतनी बार हम मिल रहे हैं। चाहे आज फिर तुम यहां से गायब हो जाओ, पर मुझे पूरा यकीन है कि हम फिर मिलेंगे, क्योंकि यही तुम्हारी और मेरी डेस्टिनी है। अगर अभी मैं चली गई तो हम इस जिंदगी में दोबारा नहीं मिलेंगे वशिष्ठ, यही फाइनल डेस्टिनी है। डेस्टिनी, डेस्टिनी, डेस्टिनी। वशिष्ठ, मैं संध्या की बहन हूँ। उसकी एंगेजमेंट हो गई है, ये बात सच है। लड़का मामा के गांव का है। ये सब मेरे ही कारण हुआ है, उसकी कोई गलती नहीं है। संध्या कभी अपने घर से नहीं भागी, वो तो मुझसे मिलने मेरे पास आई थी। दीदी, कैसी हो? जीजू कहाँ है? संध्या, मैं जो रोज रामायण पढ़ती हूँ उसमें राम सीता से शादी करके भले ही खुश होंगे, लेकिन मेरी जिंदगी के राम मुझे छोड़कर चले गए हैं। अब कौन सा मुंह लेकर आई है? क्यों आई तू यहां? गांव का कुछ पता नहीं, माँ बाप का कुछ पता नहीं, संगीत सीखने गई और प्यार कर बैठी? बिना बताए उसके साथ भागने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? बता के ही गई थी पापा। किसको बता के गई थी? दादी माँ को। ये कहाँ की रामायण है? हम संध्या ने ये कहने के लिए कहा था। क्या है ये? हाँ, हर बात पे ये उंगली पकड़ो वो उंगली पकड़ो, बच्चों का खेल है ये? इज्जत प्रतिष्ठा के बारे में गांव वाले क्या सोचेंगे ये भी नहीं सोचा? इसे वापस लाने में शर्म नहीं आई तुझे? पापा, आपके लिए गांव वाले अहम हैं या बेटी अहम है? मेरे लिए गांव वाले ही अहम हैं। पापा, आप हमेशा कहते थे ना, कोई भी काम करने से पहले अपने दिल से पूछो, अपने दिल की सुनो। और ऐसे में घर में शादी के लायक बेटी है, लेकिन आपने एक बार भी क्या उसे पूछा कि उसे किस तरह का लड़का चाहिए? एक बार भी क्या आपने प्यार से पूछा? अपने दिल से पूछिए पापा, माँ होती तो क्या ऐसा होता? बेकार की सेंटिमेंटल बातें मत कर। माँ को बीच में लाएगी तो तुझे लगता है मैं इसे माफ कर दूंगा? तेरी बात मानकर मैं इन दोनों को घर में रखूंगा तो पता है क्या होगा? उस दिन जो ड्रामा ड्रामा बोलकर आया था, एक दिन तू उसके साथ नहीं भागेगी, इसकी क्या गारंटी है? इसे जाने के लिए बोल दे और उसके बाद तू भी चली जा। पापा, ये माँ ने आपको कितने प्यार से दिया था, अब तक आपने इसके अलावा किसी और चीज में पानी नहीं पिया और आपने इसे फेंक दिया। लेकिन आपने वो जानबूझकर नहीं, गुस्से में किया। दीदी ने भी वो काम जल्दबाजी में किया था पापा। आप सोचते हैं अगर आपने दीदी को घर में आने दिया तो मैं भी दीदी की तरह किसी के साथ भाग जाऊंगी, है ना पापा?
आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी, चाहे वो मुझे पसंद हो या ना हो, मैं शादी कर लूंगी पापा। मैं मना नहीं करूंगी। दीदी को रहने दीजिए पापा, दीदी के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। मुझ पे भरोसा कीजिए पापा प्लीज। हेलो अंकिता। हाँ भाई साहब। तेरे बेटे से अपनी बड़ी बेटी की शादी करवाऊंगा बोला था ना, अब छोटी से करवाऊंगा। हाँ वशिष्ठ, वो तुम जैसे अच्छे लड़के को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। बचपन से ही बहन की तरह सोचने वाली संध्या इस मामले में मेरी माँ की तरह सोचने। दीदी जीजू, ये सपना है ये सच? मर्द होने के अहंकार में अंधा हो गया था मैं, छोटा होते हुए भी मुझ में अकल डाल के इंसान बना दिया। किसने? और किसने? तुम्हारे होने वाले पति ने। ये लो। पापा, आप जिस किसी से भी कहेंगे मैं उससे शादी कर लूंगी। वशिष्ठ, मैंने पापा को जुबान दी है। अरे जुबान गई भाड़ में, तुम फिक्र मत करो, मैं उनसे बात करूंगा ना। हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या बोलेंगे? ऑलरेडी एंगेजमेंट हुई, लड़की का रिश्ता मांगने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तब भांजा क्या बोलेगा पता है? अरे ससुर जी, एक बार अपना फेस टर्न करो और इज्जत से शादी के लिए मान जाओ, नहीं तो तेरे सामने डोली में बिठा कर लेके जाऊंगा। मैं मान गई वशिष्ठ, डेस्टिनी को हम लिख सकते हैं। जैसे मेरी दीदी की डेस्टिनी को लिखा, वैसे ही मेरी डेस्टिनी लिख दो।